हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में बहुत ही यूज़फुल एडवांस्ड लेवल के फ्रेजल वर्ब्स लेकर आई हूँ आपके लिए। सभी फ्रेजल वर्ब्स बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं, साथ ही लास्ट में एक बहुत ही स्मार्ट सा फ्रेजल वर्ब है जो आप अपने डेली कॉन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आस्क अराउंड, आस्क अराउंड का मतलब होता है पता लगाना या कुछ जानने के लिए बहुत से लोगों से पूछताछ करना। सेम क्वेश्चन बहुत सारे लोगों से पूछना। टू आस्क अ लॉट ऑफ डिफरेंट पीपल इन ऑर्डर टू गेट इन्फॉर्मेशन और हेल्प, हेल्प मांगने के लिए या इन्फॉर्मेशन पाने के लिए अलग अलग लोगों से पूछना। वी आर गोइंग टू आस्क अराउंड टू सी इफ़ देयर इज़ अ हाउस वी कैन रेंट। हम पता लगाने जा रहे हैं यह देखने के लिए कि क्या कोई घर है जिसे हम किराए पर ले सकते हैं, मतलब अलग अलग लोगों से पूछने जा रहे हैं कि क्या कोई घर है जिसे हम किराए पर ले सकते हैं। एक्ट अप, एक्ट अप का मतलब होता है शरारत करना या सताना। इफ़ अ पर्सन स्पेशली अ चाइल्ड एक्ट्स अप दे बिहेव बैडली। एग्जाम्पल है, माई डॉटर ऑलवेज एक्ट्स अप एट द सुपर मार्केट व्हेन आई रिफ्यूज टू बाय हर टॉयज। मेरी बेटी हमेशा सुपर मार्केट में शरारत करती है या परेशान करती है जब मैं उसके खिलौने खरीदने से मना करती हूँ, मिसबिहेव करती है। ब्लर्ट आउट, ब्लर्ट आउट का मतलब होता है तपाक से कहना, मतलब बिना सोचे समझे जो आपको नहीं कहना है वह भी दूसरों के सामने बोल देना। टू से समथिंग सडनली एंड विदाउट थिंकिंग, यूजुअली बिकॉज यू आर एक्साइटेड और नर्वस। क्योंकि आप एक्साइटेड होते हैं या नर्वस होते हैं इसलिए बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देना। ही ब्लर्टेड द न्यूज़ अबाउट अवर न्यू हाउस आउट बिफोर वी कुड स्टॉप हिम। इससे पहले कि हम उसे रोक पाते उसने हमारे नए घर के बारे में तपाक से बोल दिया, मतलब बिना सोचे समझे सबसे कह दिया। ब्रिंग अप, ब्रिंग अप का मतलब होता है चर्चा के लिए कोई विषय उठाना या किसी सब्जेक्ट के ऊपर, किसी टॉपिक के ऊपर चर्चा चलाना। डिस्कशन करना, टू स्टार्ट टू टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। She brought up the topic of politics at the dinner table. उसने खाने की मेज पर राजनीति का विषय उठाया, मतलब राजनीति के विषय पर चर्चा चलाई। Drag out, drag out के दो मीनिंग्स होते हैं। फर्स्ट मीनिंग है और बढ़ाना या ज़रूरत से ज़्यादा लंबा खींचना, किसी बात को या किसी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा लंबा खींचना। और सेकेंड मीनिंग है ज़बरदस्ती उगलवाना, मतलब किसी की मर्जी के खिलाफ कुछ बात कहलवाना। टू मेक समथिंग कंटिन्यू फॉर लॉन्गर देन नेसेसरी, और सेकेंड मीनिंग है टू फोर्स समवन टू टेल यू समथिंग विदाउट दियर विल, मतलब उनकी इच्छा के विरुद्ध कुछ उनसे उगलवाना, कुछ बात निकलवाना। दे ड्रैग्ड आउट द ट्रेनिंग कोर्स फॉर अ होल डे व्हेन वी कुड हैव डन इट इन एन आवर। उन्होंने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को पूरे दिन के लिए खींच लिया जबकि हम इसे एक घंटे में पूरा कर सकते थे। पुलिस फाइनली ड्रैग्ड द ट्रुथ आउट ऑफ हिम रिगार्डिंग द मर्डर मिस्ट्री। पुलिस ने आखिरकार मर्डर मिस्ट्री के बारे में उससे सच्चाई उगलवा ली, मतलब सच्चाई निकलवा ली। सिंगल आउट, सिंगल आउट मतलब चुनना, छांटना या अलग करना। टू चूज वन पर्सन और थिंग फ्रॉम अ ग्रुप फॉर स्पेशल अटेंशन स्पेशली क्रिटिसिज्म और प्रेज, मतलब तारीफ के लिए या क्रिटिसाइज करने के लिए, आलोचना करने के लिए ग्रुप में से किसी एक व्यक्ति को चुनना। शी इज़ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ हर क्लास सो टीचर्स हैव सिंगल्ड आउट हर फॉर अ स्पेशल मेरिट अवार्ड। वह अपनी कक्षा की सबसे अच्छी छात्रा है इसलिए शिक्षकों ने उसे विशेष योग्यता पुरस्कार के लिए चुना है। द कोच सिंगल्ड आउट द प्लेयर्स हु प्लेड पुअरली, कोच ने खराब खेलने वाले खिलाड़ियों को अलग किया या छांटा। स्टिक टू, स्टिक टू का मतलब होता है लगे रहना या किसी काम को नहीं छोड़ना। कोई काम करना जो आपने डिसाइड किया है या आपको करना चाहिए उससे करते रहना, लगे रहना। टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग दैट यू प्रोमिस्ड और डिसाइडेड टू डू, किसी काम को कंटिन्यूसली करते रहना। शी सिंपली मेड अ डिसीजन एंड रेजोल्यूटली स्टक टू इट, उसने बस एक निर्णय लिया और पूरी तरह से उस पर अड़ी रही, मतलब लगी रही, उसे छोड़ा नहीं। रेजोल्यूटली का मतलब होता है दृढ़ता से, मतलब पूरी तरह से। इफ़ यू स्टिक रिजिडली टू योर डाइट यू विल लूज योर वेट, अगर आप अपने आहार का सख्ती से पालन करते हैं तो आपका वजन कम हो जाएगा, मतलब अपनी डाइट पर लगे रहते हैं, नहीं छोड़ते हैं। पाइलअप, पाइलअप का मतलब होता है इकट्ठा करना, जमा हो जाना या ढेर लग जाना, मतलब एडवर्स सिचुएशन में किसी चीज़ का इकट्ठा हो जाना, यानी कि किसी काम का या किसी ऐसी चीज़ का इकट्ठा हो जाना जो आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं या जो आप
आपके हाथ में नहीं, आपके कंट्रोल से बाहर हो चुकी है. टू इंक्रीज इन क्वांटिटी और अमाउंट इन अ वे दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू मैनेज और टैकल विद इट, जिसको हैंडल करना या टैकल करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है. द ट्रैफिक स्टार्ट्स पाइलिंग अप अराउंड दिस टाइम इन द इवनिंग, शाम को इस समय के आसपास यातायात इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, मतलब हैंडल करना मुश्किल हो जाता है ट्रैफिक को. नैरो डाउन का मतलब होता है सीमित करना या कम करना, मतलब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उनमें से बेस्ट ऑप्शन को चुन लेना और बाकी ऑप्शंस को छोड़ देना. टू रिड्यूस द नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज और ऑप्शंस यू हैव, मतलब कम अच्छे ऑप्शंस को निकाल देना और ज़्यादा बेस्ट ऑप्शंस को अपने पास रख लेना. द कंपनी हैज़ नैरोड डाउन द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फ्रॉम 10 to 3 फॉर द जॉब, कंपनी ने नौकरी के लिए उम्मीदवारों की सूची को 10 से घटाकर 3 कर दिया, मतलब उन 10 कैंडिडेट्स में से 3 को सिलेक्ट कर लिया. ड्राई अप का मतलब होता है काम आदि मिलना बंद हो जाना या अभाव की स्थिति होना, मतलब किसी चीज़ की जो सप्लाई है वो कम हो जाना. और सेकंड मीनिंग होता है घबराहट की वजह से कोई बात जो आप बोल रहे हैं वो भूल जाना. फर्स्ट मीनिंग इज़ टू स्टॉप बीइंग अवेलेबल और सेकंड मीनिंग है टू स्टॉप टॉकिंग बिकॉज यू डू नॉट नो व्हाट टू से, मतलब कोई बात कर रहे हैं आप तो बात करते करते बीच में रुक जाना क्योंकि आप भूल गए हैं या आपको नहीं पता है कि अब क्या कहना है. हिज मेन सोर्स ऑफ वर्क हैड ड्राइड अप लीविंग हिम शॉर्ट ऑफ मनी, उसके काम का मुख्य स्रोत सूख गया, मतलब उसे काम मिलना बंद हो गया जहाँ से उसे काम मिलता था, जिससे उसके पास पैसों की कमी हो गई थी. My presentation is okay. I just hope I don't dry up as soon as I get to the podium. मेरी प्रस्तुति ठीक है, मुझे उम्मीद है कि जैसे ही मैं पोडियम पर पहुँचूँ मैं भूल ना जाऊँ, मतलब जो मुझे बोलना है मैं बोलना भूल ना जाऊँ. ड्राई अप का एक और मीनिंग होता है जिसे आप स्मार्ट तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है बोलना बंद करना, मीन्स स्टॉप टॉकिंग और शट अप. वुड यू जस्ट ड्राई अप, आई हैव बीन लिसनिंग टू यू फॉर आवर्स, क्या तुम बात करना बंद करोगे, मैं तुम्हें घंटों से सुन रहा हूँ. तो अगर आपको किसी से बोलना हो कि बोलना बंद करो तो आप स्टॉप टॉकिंग की जगह बोल सकते हैं जस्ट ड्राई अप या प्लीज़ ड्राई अप. तो इस तरह से आप इन फ्रेजल वर्ब्स को अपने डेली कॉन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं. फ्रेजल वर्ब्स का यूज़ करके जब आप इंग्लिश में बात करते हैं तो आपकी इंग्लिश थोड़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव और स्मार्ट लगती है. तो इन फ्रेजल वर्ब्स की प्रैक्टिस करिए, अपनी कॉन्वर्सेशन में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करिए. और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी तरह के और भी वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए.